75,000 शिक्षक भर्ती में एक स्पेशल अपील कल 5 जून को पहले ही फाइल की थी, हमने आपको बता दिया था, लेकिन आज सरकार ने दो और स्पेशल अपील यानी SLP फाइल कर दी है कोर्ट में, लखनऊ बेंच में, बहुत ही मजबूत काउंटर के साथ, बहुत ही मजबूत एफिडेविट्स के साथ, ताकि सरकार को किसी भी स्थान से हार का जगह यहाँ पर ना देखना पड़े। जो पहली स्पेशल अपील फाइल हुई थी 5 जून को, उसकी काज लिस्ट आ गई है। बहुत ही अच्छी खबर यहाँ पर सभी अभ्यर्थियों के लिए आई है। आप देखेंगे कि 9/4/2020 की यह लखनऊ बेंच की फ्रेश काज लिस्ट है। यहाँ पर जस्टिस पंकज कुमार जायसवाल, जस्टिस दिनेश कुमार सिंह की ये बेंच है, जहाँ पर जैसे ही आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखेंगे फ्रेश केस में कोर्ट नंबर 1 में जो सरकार की स्पेशल अपील है वो यहाँ पर आप देख पाएंगे 154/2020 अगेंस्ट फाइनल ऑर्डर सिंगल जज का, उसके अगेंस्ट यहाँ पर ये स्पेशल अपील फाइल की गई सरकार की। 1 नंबर पर फ्रेश केस में इसकी सुनवाई होगी 9 जून को, सबसे पहला केस है, यानी कि सुबह 10:30 बजे तक इसकी सुनवाई हो जाएगी और उम्मीद है कि सरकार को यहाँ से स्टे मिलेगा। अगर यहाँ पर कोई समस्या होती है तो इसके साथ में ही सरकार ने दो और स्पेशल अपील यानी कि SLP फाइल कर दी हैं, जिसकी सुनवाई इसके बाद तुरंत होगी। तो इन तीनों स्पेशल अपील के माध्यम से सरकार हर हाल में 9 जून 2020 को स्टे सिंगल बेंच के ऑर्डर पर लेकर रहेगी, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया पुनः प्रारंभ की जाएगी। साथ में बेसिक शिक्षा मंत्री ने स्वयं यह कहा है, अगर उन्हें नंबर बढ़ाने पड़ते हैं संशोधित उत्तर कुंजी को लेकर, तो वो इस मेरिट लिस्ट में कोई परिवर्तन नहीं करेंगे, यहाँ पर ज्वाइनिंग वैसे ही देंगे। उस नंबर को बढ़ाने के साथ जो कैंडिडेट पास होंगे, जो उस मेरिट लिस्ट में आएंगे, उनके लिए जो 22,000 बची सीटें हैं उनमें से निकाल कर उन्हें ज्वाइनिंग लेटर दिया जाएगा, ऐसा उन्होंने कमेंट किया है आज एक सोशल मीडिया में। तो अच्छी खबर है सभी अभ्यर्थियों के लिए, कुल मिलाकर जो सिलेक्टेड अभ्यर्थी हैं उनको कोई समस्या नहीं होने वाली है। तो आज की ये महत्वपूर्ण खबर थी, ऐसी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लें।